ये कैसा पराठा बनाया आपने? अरे वो लेयर वाला होता नहीं, बहुत सारी लेयर बना के लच्छा पराठा हो जाता है। अच्छा लच्छा पराठा है ये। सैटरडे और आज हमें स्विमिंग क्लासेस भी जाना है, तो चलो जल्दी से अभी रेडी हो गए हैं, हम लोग चलते हैं। गाइस आज हमें मम्मा छोड़ने जाने वाली है बिकॉज पापा तो ऑलरेडी YMCA में है, बिकॉज वो रात को बंद हो जाता है, तो मतलब वीकेंड के टाइम में तो वो रात को बंद हो जाता है, तो उन्हें सुबह ही जाना पड़ता है, तो मतलब वो अभी YMCA में ही है। मम्मा हमें छोड़ने जाने वाली है, तो चलो जल्दी से चलते हैं। सो गाइस अभी हम लोग स्विमिंग क्लास से आ गए हैं और मम्मा से चलो पूछते हैं कि लंच उन्होंने क्या बनाया। लंच टाइम भी हो गई है और जब स्विमिंग करके आए तो थक भी गए और भूख भी लग रही है, तो चलो उनसे पूछते हैं। क्या बना रहे हो आज लंच में? पनीर बनाया है। अच्छा पनीर की सब्जी बना रहे हो? चिली पनीर। ओह गाइस आज तो देखो चिली पनीर बनाया और मम्मा देखो मस्त पराठे से एक नहीं खाने में साथ मिले। तो मम्मी जल्दी से यार लंच प्रिपेयर कर दो, भूख लग रही है। बस कर रही हूँ अभी। ओके ये कैसा पराठा बनाया है आपने? अरे वो लेयर वाला होता नहीं, बहुत सारी लेयर बना के लच्छा पराठा हो जाता है। अच्छा लच्छा पराठा है ये। तो देखो फाइनली लंच भी रेडी हो गया है, चिली पनीर, लच्छा पराठा, सैलेड, और देखो हमने तो बूंदी का रायता ही बनाया है। यार आज तो वीकेंड का लंच मस्त हो गया, और चलो अभी जल्दी से लंच करते हैं, भूख लग रही है। गाइस मैं तो गया था सुबह अभी खेलने के लिए, पिकल बॉल खेली, बहुत मस्त मजा आया। और वहीं पर फिर विन्नी और पोलू भी चले गए थे अपनी स्विमिंग क्लास के लिए, फिर उनको स्विमिंग क्लास कराई और अभी हम लोग घर आए हैं। एंड गाइज आज प्लानिंग है हम लोगों की बाहर जाने के लिए। एक्चुअली 1 साल से ज़्यादा हो गया यहाँ पर, हमने मीनाक्षी के अभी तक फेशियल नहीं कराया था, वो अपना घर से ही जो कुछ कर लेती थी कर लेती थी, बट आज हम लोग का अपॉइंटमेंट है पहली बार बाहर जा करके कराने का फेशियल, तो हम लोग वहाँ भी जाएंगे। और हम मंथली हमें इंडियन ग्रोसरी भी करनी है, तो वो भी साथ में ही करेंगे, दोनों चीज़ें एक साथ ही हो जाएंगी। यहाँ पे एडमंटन में साउथ साइड के अंदर ही है मिलवुड्स, और वहीं पर ये दोनों चीज़ें हम लोग की हो जाएंगी। पर देखो आज हमारे जो मास्टर साहब हैं वो घर में कुछ स्पेशल बना रहे हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये हमारे मास्टर साहब का बन रहा है आज नान, और क्या बनाया है, पनीर है ना? हाँ चिली पनीर। चिली पनीर बनाया मास्टर साहब ने आज। आइस अगर हमारे मास्टर साहब ना हो ना तो हम तो तरस जाएं यहाँ पे इंडियन चीज़ें खाने के लिए, क्योंकि बाहर जाएं तो पता कितने महंगे होते हैं मीनू, है ना? और घर में बना लो तो सही है, ज़्यादा तो खा लो, बाद में भी खा लो। बाद में भी खा लो। एंड गाइस हम लोग तो मतलब बहुत लकी हैं कि हमें हमारे मास्टर साहब से अच्छा अच्छा खाना मिल जाता है, चाट पकौड़ी भी और गोलगप्पे भी, दही बल्ले भी, वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं, और पनीर वगैरह तो मिल जाता है। और ये तुम्हारे आज नान की कोई स्पेशलिटी है क्या? मैदे के नहीं है, आटे के हैं। आटे के नान बनाए हैं? मैदे के नुकसान देते हैं, आटे के भी ऐसे लगते हैं, मैदे के बस थोड़ा सा टेस्ट ही नहीं होता, पर अच्छे लगते हैं ये वाले भी। ओ वेरी गुड। चलो भाई जीप लपलपा रही है हमारी, तो फटाफट दे दो हमें भी खाने के लिए, और उसके बाद फिर जल्दी से फिनिश करके तैयार हो फिर निकलते हैं अपना। ये लो अपना खाना। ओह वाओ गाइस देखो कितना ऑसम लग रहा है, मतलब जो खाने की प्लेसमेंट है ना वही कितनी शानदार है यार, लवली। चम्मच उठा लेने दो। यार मीनू खाना तो बहुत शानदार बनाया है, बहुत टेस्टी है। लच्छा पराठा लेना। लच्छा पराठा ही बनाया है? इसी का ही बन जाएगा, मिन्नी को दिया मैंने बना के। और आटे का ही? ओ भाई शाबाश यार, दे दो फिर तो। हाँ हाँ बना दो बना दो, एक ही बनाऊंगी बस। चलो ठीक है। हाँ यार मज़ा आ जाएगा। सो गाइज हम लोग तो निकल चुके हैं अभी मिलवुड्स के लिए, और जैसे हमने बताया पहले हम लोग जाएंगे फेशियल कराने के लिए, तो मैडम जी रेडी हैं अपना फेशियल कराने को, है ना? और उसके बाद फिर हम लोग इंडियन स्टोर जाएंगे, वहाँ पे अपनी ग्रोसरी करके आएंगे। तो भाई कैसा लग रहा है आज जाने के लिए फेशियल को? देखते हैं कैसा करते हैं। अगर जी ऐसा लगे कि जैसे इंडिया में करते थे उससे भी ज़्यादा मतलब ख़राब कर दिया है यहाँ पे। हैं खराब तो नहीं कर लेंगे क्या? अच्छा अच्छा जरूर कर लेंगे, पर महंगा बहुत है यहाँ। महंगा तो है ऑफ कोर्स, महंगा तो बहुत, इसलिए मैं घर पे ही अपना कुछ भी लगा लूँ। सो गाइस अभी हम लोग फाइनली मेट्रो के अंदर बैठ गए हैं, और अभी हम लोग जाने वाले हैं मिलवुड्स, और उसके बाद हम लोग बस कैच करेंगे और फिर जाएंगे वहाँ पे पार्लर में मम्मा का फेशियल कराने। उसके बाद हमें इंडियन स्टोर भी जाना है अपनी ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए, वहाँ से हम लोग अपने इंडियन स्नैक्स भी लेके आएंगे, जो तो हम नहीं खा पाते हैं हर बार, हम लोग सेवन फूड जाते हैं, वॉलमार्ट जाते हैं, वहाँ से तो मतलब वो चीज़ें नहीं मिलती है, वो सिर्फ इंडियन स्टोर से ही मतलब मिल जाती है। आज वहाँ भी जाने वाला है। आज तो हम जो है फुल बिजी है। फुल बिजी हो? क्या करा तुमने, खाना बनाया था? नहीं तो मैंने बनाया था। हम सब फुल बिजी है, मतलब मैं हूँ बिजी सबसे ज्यादा। मैं इधर बैठ जाऊँ, खुली जगह हो रही है? नहीं पूरी मेट्रो खाली पड़ी है, कहीं बैठ जाओ। ये देखो खाली खाली है पूरी, इधर भी कोई है ही नहीं मेट्रो में। हाँ इस मेट्रो में तो पता नहीं ज्यादा लोग बैठते ही नहीं, हमारे यहाँ जगह भी नहीं मिलती मेट्रो में, जरा कोई भी नहीं खड़ा होता, महिला वाली सीट पे भी बैठे रहे। Thank you.
गाइस यहाँ पे कितना प्यारा हो रहा है। अभी जो स्नोफॉल हुई थी ना यहाँ, चूंकि कोई सफा नहीं करता ना और जरूरत भी नहीं है, बिल्कुल ओपन लोकेशन है ये, इतनी प्यारी लग रही है बिल्कुल एकदम जन्नत के जैसी। वाह यार एकदम ऑसम है भाई गाइस, ये तो ये देखो पूरा एकदम से ओपन एरिया है सारा, यहाँ कितना प्यारा लग रहा है स्नोफॉल से। वाह अल्टीमेट गाइस। अभी हम लोग उतरे हैं बस से और जा रहे हैं अभी यहाँ पे जो फेशियल कराने के लिए आए हैं उस वाले लोकेशन के ऊपर, बहुत नज़दीक है यहाँ से, थोड़ी सी देर लगेगी हम लोग पहुँचने वाले हैं। आ जाओ मीनू फटाफट रेडी। अरे ठंड लग रही है। ठंड लग रही है, और ठंड तो इसलिए लग रही है ना, इतनी ज़्यादा स्नोफॉल हुई थी भाई, इसकी तो जो ठंड है ना वो चढ़ी रही होगी। जब स्नोफॉल हो रही थी तब तो नहीं लग रही थी। चलो मुश्किल से 2 मिनट लगेगी, पहुँच गए हम लोग। ठीक है चलो, तो जा नहीं रहा स्नो पे। चलो ओके। मतलब यहाँ पे जो ये घर है ना वो तो कितने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं, और आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे यहाँ पे जो मतलब घर के आगे जो मतलब डोर वे है और उसके आगे भी जो पाथ वे है ना, उन लोगों को मतलब लोगों ने स्नो हटा रखी है। जैसे मतलब लोग कैसे घर होते तो मतलब स्नो हटा देते हैं, और देखो कितना प्यार से उन्होंने फैन रख रखा है, मतलब वो विंड का एक्सप्रेस कर रहा है कि हवा चल रही है चल रही है। मतलब ये वाला तो मतलब लोकेशन बहुत ज्यादा प्यारी लगती है मेरे को। देखो ट्रीज है, हाउसेज है, मतलब बिल्डिंग्स नहीं है जो डाउन टाउन में है, यहाँ पे सिर्फ हाउसेज है नॉर्मल। और देखो वो घर के ऊपर बर्फ भी है, मतलब बहुत सारी, इतना प्यारा सा व्यू लग रहा है। तो गाइस फेशियल तो करा लिया मैडम ने, जरा इनसे लेते हैं एक्सपीरियंस कि इनका कैसा यहाँ पे रहा है। अच्छा था, जैसे इंडिया में कराती थी ना बिल्कुल वैसा ही। अच्छा हाँ, मतलब वही इतने रेट में ही हो गया मतलब अधिकतर। हाँ क्योंकि डाउन टाउन में है ज्यादा रेट, यहाँ है कम, क्योंकि इन्होंने घर में कर रखा है ना इस वजह से, क्योंकि जितने भी यहाँ पे सारे ना इंडियन लोग ही रहते हैं तो उसके हिसाब से उन्होंने रेट रख रखे हैं फेशियल के, ब्लीच के, थ्रेडिंग के। तो अच्छा था, तो इन्होंने सारा जो मतलब वो पैक वगैरह सारी चीजें लगाई वो सब बिल्कुल वही लगाई जो तुम इंडिया में खुद लगवाते थे वहाँ पर। हाँ ज्यादातर सारी वही लगाई। तो ये अच्छी बात है कि जैसे तुमने आज तक कभी अपने इंडिया में एक्सपीरियंस किया था बिल्कुल वही सेम चीज की है, तो ये तो बढ़िया है। एंड गाइस ये जिनके पास हम गए थे वो हमारी इंडियन कम्युनिटी के ही लोग हैं, वो यहाँ पे रह रहे हैं, तो उन्हीं के पास हम लोग गए थे तो वहीं से कराया हमने। और आसपास में भी जितनी कम्युनिटी है वो सारी इंडियन कम्युनिटी है, तो शायद हो सकता है कि इस वजह से उनको ना यहाँ पे ज़्यादा अच्छा एक्सपोजर मिलता होगा। हम लोग तो डाउनटाउन से आए थे, वहाँ पर तो इंडियन कम्युनिटी इतनी ज़्यादा है नहीं, तो हमें वहाँ पर नज़दीक में कुछ नहीं मिला, और वहाँ पर जो और कुछ होंगे भी लोग तो वो भी इधर उधर ही आते होंगे, इस तरह से हम लोग आए हैं। तो ये एक्सपीरियंस मतलब को ना बहुत रिलैक्स मिली, तो ये नींद आ गई थी। तो जनरली ऐसा होता है ना, जब फेस की मसाज होती है नींद आ, जब सर दर्द हो रहा हो सर दबाओ तो नींद आ जाती है। ऐसे फेस की मसाज हुई तो नींद आ गई थी। ओके तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि अच्छा रहा है यहाँ पे, है ना। चलो ठीक है, दूर है पर ऑब्वियसली मतलब हम लोग साउथ साइड में आए हैं मिल वुड्स में, और डाउन टाउन में हम लोग रहते हैं तो वहाँ से दूर तो है, पर अपनी इंडियन कम्युनिटी के पास आकर के तो एक वो चीज़ भी लगता है कि हाँ हम लोग अपने घर में आए हैं, तो वो भी चीज़ अच्छी थी, है ना। और उनको वही एक्सपीरियंस मिल गया तो हमें ये भी नहीं है कि यार कुछ हमारे फेस के साथ गलत होगा। ठीक है ठीक था, सब चीजें वही लगाई जैसे इंडिया में लगाते थे ना। हाँ सेम चलो फिर ठीक था, अब चलते हैं इंडियन स्टोर और वहाँ से अपनी ग्रोसरी शॉपिंग करके आते हैं।